फ्रेंड्स, मैं हूं भुवनेश चंद्र माथुर, आशीष सिंह लेक्चर से। आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे संसाधन एवं विकास। ये वीडियो बने हैं, इस पर भी आगे भी 10th ज्योग्राफी। आइए स्टार्ट करते हैं। संसाधनों की इसमें बात चल रही है, भू संसाधन। आइए पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, भू संसाधन क्या क्या है, कहाँ रहते हैं हम लोग। हम भूमि पर रहते हैं। जोक सपाट वैसे तो नहीं कहना चाहिए, क्या अपन दोनों पैर ऊपर करके खड़े हो सकते। मेरे कहने का आशय यह है कि देखिए, आप कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कीजिए, कुछ भी खड़े रहिए, सामान रखिए ना, कोई बिल्डिंग बनाइए, हमको ज़मीन धरातल की ज़रूरत है। इस लाइन का मतलब ये, हम भूमि पर रहते हैं, यहाँ पे कई हमारे आर्थिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं, होते रहते हैं ना। आप कहते हैं कैसे आए भाई, कार से आए, स्कूटर से आए, ट्रेन से आए, कैसे आए, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है और आते हैं, भूमि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, प्राकृतिक संसाधन माना गया है। मकान कहाँ पर बने हैं, खेतीबाड़ी कहाँ पर हो रही है, सड़कें कहाँ पर बनी हैं, एयरपोर्ट कहाँ बने हैं, है? तो ये बात हाईलाइटेड हो गई कि हमारे लिए पहली लाइन, हम भूमि पर रहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हमारी इसी भूमि पर होते हैं। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जितने भी हैं सब ज़मीन में हो रहे हैं, धरातल पर, धरती पर। हमारा वन्य जीवन कहाँ फल फूल रहा है, धरती पर। मानव जीवन हम लोग कहाँ रह रहे हैं, आपने देखा, ये सिद्ध हो गई ये बात। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस बताई जा रही है भू संसाधन की। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी, पैसे का लेन देन, व्यापार है ना, उत्पादन करना, माइनिंग करना, शोधन करना, फैक्ट्रीज लगाना, इंडस्ट्रीज लगाना, सारा काम आर्थिक क्रियाएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, बैंक, इंश्योरेंस है, तो ये सारे कहाँ हैं, धरती पर। कहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सड़क पे, ट्रेन से, पानी, पानी के नीचे भी तो धरातल है, अब हमने पढ़ा है आगे फिजिकल ज्योग्राफी में। संचार व्यवस्थाएं कहाँ पर स्थापित हैं, तो ये सब इस पर आधारित है। तो इसकी महत्व, इसका इम्पोर्टेंस हमें समझना है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, कितना है इस धरती पे कुल पानी जल, और कितना हिस्सा धरातल या धरती के रूप में हमें मिला हुआ है, ज़रा देखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मैं ही बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा आप भी अब सीखने लगिए, और ये वीडियो देखते समय किताब में ये चैप्टर निकाल के ये पेज मेरे साथ पढ़िए, है ना, तो आपको बहुत जल्दी ये समझ आएगा, क्लिक हो जाएगा आपको। कोई भी, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, हमें हमारे, मैं रोज़ हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये हमें हमारे आंसर्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं यूं ही इनको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ आके चलो भाई ऐसा कर दो, नहीं, इनका कोई ना कोई मीनिंग है, इनका कोई ना कोई अर्थ है, तो हमें वो करना है, ठीक है। इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। असीमित जमीन नहीं है हमारे पास, कि अनंत है, इन्फिनिट जमीन नहीं है हमारे पास, सीमित है। गांवों में भी जमीन नाप के ही तो खेत बनता है कि इतना है ये, शहरों में तो और भी हालत आपने देखी है, 50 गज, 108 गज, 136 गज, 210 गज, बिल्कुल सुई से सुई नाप के मकान बनाने को जमीन मिलती है। अब तो भारत में भी, हमारे देश में भी फ्लैट बनने लगे हैं, थोड़ी सी ही जगह में ऊपर ले तक, 50 मंजिल, 60 मंजिल तक अब हम सोचने लग गए, कहाँ जमीन बड़ी सीमित है, ठीक है। तो हमने क्या विचार किया कि इसका उपयोग एक तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका कोई ना कोई हमें इसका निकालना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, सावधानी, बर्बाद ना हो जमीन भी, और योजनाबद्ध तरीके से हमें इसको प्लान बना के ही काम में लेना होगा, ऐसा मनमाना नहीं कर सकते।
भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां क्या क्या मिलेगा आपको? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, या आप सब जानते हैं, सभी कुछ मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप भी है, ठीक है, लक्षद्वीप भी है, डेक्कन प्लेटू है, दक्खन का पठार भी है। चलिए पर्वत पे मैं पूछता हूं कि सबसे बूढ़े हो चुके पर्वत बताइए कौन से हैं। थोड़ा आप लोग चेक कीजिए, जो मैं सवाल आपको कर रहा हूँ वो हमारे काम के हैं, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी हमारी, और सोशल साइंस आजकल हर जगह पूछी जाती है। पठार, मैदान और द्वीप, तो ये देखें कहाँ कहाँ है। एक सवाल मैंने आपको इस स्लाइड में अभी दिया है, सॉल्व करें बहुत इजीली आपको मिलेगा। लगभग 43% भू क्षेत्र कैसे हैं? मैदान है। तो कौन से प्रसिद्ध मैदान है हमारे यहाँ पे, देखिए, है ना, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक। क्या कहा जा रहा है? 43% भू क्षेत्र कैसा है? प्लेन इलाका है, मैदान, मैदानी होता है ना, अपने जैसे फुटबॉल का मैदान है, हॉकी का, तो वो प्लेन होते हैं। तो ये कहाँ पे है अधिकतम, जो किसके लिए अप्रोप्रिएट है, किसके लिए वो ठीक है? बिल्कुल कृषि और उद्योग के विकास के लिए और सुविधाजनक है। क्यों? ये आना जाना सरल है, कृषि कार्य प्लेन एरिया में बहुत अच्छी तरह हो पाते हैं, उद्योग लगाना सरल है, चढ़ाई और ढलाई नहीं है। भारी उद्योग अपने को प्लेन एरिया में लगाते हैं तो उनका उसको इधर से उधर ले जाने में, यानी कच्चा माल आने में और बना बनाया माल सप्लाई करने में बड़ी सुविधा रहती है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखनी, प्लेन्स में हमें ये फायदा। गंगा का प्लेन मान सकते हैं अपन, ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि एक अच्छा सा एटलस लीजिए, मोबाइल में भी मिलता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अच्छी कंपनी का एटलस लीजिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस आपके पास होना चाहिए, 10th क्लास है हमारी। ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, हर शहर में ये उपलब्ध है, ठीक है, वो लीजिए। 30% भूभाग पर हमें क्या मिलेगा? पर्वत। 43% प्लेन है, मैदानी इलाका है। आगे देखिए क्या होता है इसमें। पर्वतों से क्या है? वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं। पर्वत क्या करते हैं? कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। बारहमासी बहने वाली दो नदियों के नाम बताइए आप। मैं इशारा आपको दे सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बहती है एक, दूसरी भी उत्तर प्रदेश में बहती है, एक दिल्ली और मथुरा होके आती है, ठीक है, एक दिल्ली और मथुरा होके नहीं आती। बहुत सरल है, याद, आप याद कीजिए, याद आ जाएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं जिससे हमारे रिवीजन भी होता रहे। आगे देखिए, 9th में हमने पहला चैप्टर, याद कीजिए, पढ़ा है, उसकी ये सारी बातें हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 9th और 10th हमारी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन, टूर्स एंड ट्रेवल्स आजकल तो बहुत शौक है, लेकिन पिछले 1.25 साल से बंद है पर्यटन। तो ये क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोगों को प्लेजर, लीजर, है ना, बहुत अच्छा लगता है। कहीं आप शिमला घूम के आए, दार्जिलिंग, है ना, कुल्लू मनाली, इस तरह की जगह, माउंट आबू घूम कर आते हैं तो अच्छा लगता है। और ये पारिस्थिति के लिए, फिजिकल फीचर्स के लिए भी हमारे बड़ा ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ सीखी है, फिर से देखिए कि 43% भूभाग पर हमारा क्या है? मैदानी इलाके हैं। क्षमा करें, प्लेन्स हैं, मैदान। 30% में हमारे क्या है? पर्वत हैं। अच्छा, पर्वतों के होने का कुछ लाभ है हमारे को? अगर मैं पूछूं हिमालय होने का
कुछ फायदा है? ये 9th क्लास की ज्योग्राफी है, याद कीजिए, है ना? तो थोड़ा सा देखिए, बहुत पतली सी किताब है हमारी भूगोल की 9th वाली, ज़रा से दो चार पन्ने उसके शुरू के जो हैं वो कीजिए, आपको सारा दिखने लग जाएगा, याद आ जाएगा, और पढ़ भी लेनी चाहिए एक बार, ठीक है। पारिस्थितिकी के लिए हमारे को कहा जा रहा है पर्यटन भी बहुत बड़ी उद्योग है, इसमें बहुत रोज़गार है, और जो घूमने आते हैं टूरिस्ट उनको भी बहुत अच्छा लगता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग अब 27% हिस्सा कैसा है? पठारी इलाका है, पठारी 27% है। इस क्षेत्र में क्या होगा? खनिजों की भरमार होगी, जीवाश्म ईंधन होगा, और वनों का अपार संचय कोष मिलेगा आपको। पठारी इलाके में क्या क्या दिखेगा अपने को? खनिज मिल रहे हैं, हमारे दक्षिण का पठार है, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं डेकन प्लेटू, जीवाश्म ईंधन क्रूड ऑयल आपके लिए निकल रहा है, और वनों का अपार भंडार है। इस तरह से हमें समझना है बहुत सरलता से क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको। 43% भूभाग पर मैदान है, 30% हमारे क्या है? पर्वतीय इलाका है, 27% पठारी इलाका है, तो ये हो गया 100 का हिसाब बराबर, ठीक है। इस तरह से हमें चीज़ें ब्रेक करके थोड़ी 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 सीखनी है। जिस तरह से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन चीज़ों को, हमें हमारे आंसर में लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, समय जाते देर नहीं लगती है, महसूस भी नहीं होगा हमें कि कब हमारा एग्ज़ाम का टाइम आ गया। आप याद करते रहेंगे मेरी बात को, मार्च 2022 ऐसे ही आ जाएगा। दिन जाते कहते हैं कि समय कम महसूस नहीं होता, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते समय की उतनी स्पीड है। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61, और ये बात हम कब कर रहे हैं? कब की? 2014-15 की, यानी ये लेटेस्ट है, ये बहुत पुरानी है। समझने की कोशिश करते हैं, 1960-61 में वन का हमारा क्षेत्र कितना था? ये वन का एरिया है फॉरेस्ट 18.11। फिर यहाँ कृषि योग्य बंजर भूमि हमारे पास कितनी है? कृषि योग्य तो है पर भूमि कैसी है? बंजर, भूरे कलर में, ये वाली। मैं आपके लिए ऐसे कर देता हूँ, भूरा कलर हमको लगेगा कृषि योग्य बंजर भूमि कलर, कलर ये कलर है ना फर्स्ट। यहाँ क्या दिया गया है? बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि रेड कलर में, तो ये सेकंड वाला हो गया। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, गैर कृषि, ये तीसरा लेवल हो गया, थर्ड। तो हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं, स्थाई चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि, ये हो गया फोर्थ। फिर हो गया आपके विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा वनों के अंतर्गत क्षेत्र, ये हिस्सा हो गया हमारा ब्लू, हल्का ब्लू, ये वाला, ठीक है। तो पांच चीजों की हम, चार पांच चीजों का तुलना उस जमाने से और अब कर रहे हैं, यानी लगभग कितने हो गए? लगभग आप रफली 50 साल मान लेते हैं हम, ठीक है। आज की हमारी कैसी है परिस्थिति? प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति, ब्लू कलर, ये हो गया सेकेंड फेज हमारा। थर्ड में वर्तमान प्रति, अभी कितना आपने छोड़ा हुआ है? ये हिस्सा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ये वाला है, यानी बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, आइए। ये हमने इस सर्किल में 100% जितनी भी भूमि हमारे पास उपलब्ध है हमने मान ली। सामान्य भू उपयोग हमने कब का देखा? 2014-15 का सामान्य भू उपयोग संवर्ग 60-61 का। अब ये कहते हैं जंगल वन का क्षेत्र कितना है हमारे पास? उस समय था 18। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि सेकंड हमारे पास थी, उस समय 18.11%। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, गैर कृषि यानी उद्योग वगैरह लग गए, इस तरह से हम समझ सकते हैं। गैर कृषि हमारा हल्का कलर, ये वाला हो गया, ये हो गया, सौ ये नहीं हुआ। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, ये हल्का ब्लू था।
एक मिनट, ये कलर चेक कर लेते हैं अपन। गैर कृषि ये होगा थर्ड, सॉरी ये नहीं है। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया कि हम उस समय किस तरह से हमारे पास जमीन थी, कैसा उपयोग हो रहा था। यहाँ बहुत क्लियर फोटो है, एक दो तीन चार चीज ही समझनी है। अब की बार देखिए कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, 45.5%। 5 साल पहले की बात है, 5 6 साल मान लीजिए। प्रति भूमि कितनी है हमारे पास, आज हम फैलो कितनी छोड़ते हैं, 23.3%। या तो वो खराब हो गई है, या उसको छोड़ा गया है जानबूझ के, या थोड़ा सा इलाका अच्छा नहीं है, या उपजाऊ नहीं है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। वर्तमान प्रति क्या है, इतनी वाली है, ये वाली है, ये कलर इससे मैच करता है थर्ड, दोनों कलर एक से लग। और शुद्ध निवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, 45.5% कुल का इस पर खेती बाड़ी हो रही है, बोया गया क्षेत्र है ना। नेट एरिया सोन इंग्लिश में कहते हैं, कभी आप दोनों में कंफ्यूजन मत होना, हमारे लिए इसमें ये जानना बड़ा जरूरी है। इस तरह से भूमि का उपयोग बदल गया है, हमें सिर्फ ये समझना है। अब आज के समय में भू उपयोग कैसा और पहले कैसा होता था, थोड़ा सा कंपैरिजन। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, क्या क्या यूज है। आज जंगल है हमारे, आजादी के बाद हमने हमारे वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए, उसका प्रतिफल आने भी लग गया है। वन क्षेत्र हमारे लगभग 23% हो चुके हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हमारी अभी कितनी है, बंजर भी कुछ पड़ी हुई है, कृषि अयोग्य भी है। देखना पड़ता है कि वहां पे खेती बाड़ी योग्य है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, नल बिजली है कि नहीं, है ना। बंजर है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरिया छोड़ना पड़ेगा। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे आपने सिटीज हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई, सड़क के लिए भी जमीन तो जाएगी, उद्योग लगाने में जाएगी, है ना, और कहाँ जाएगी, आपके रेलवे, इसमें आपकी जमीन जाएगी जाएगी। आपने एयरपोर्ट बनाए, वो आपकी जमीन जाएगी ही जाएगी, ठीक है। आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, कुछ चीजें ऐसी आज के युग की भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जमीन चाहिए ही चाहिए उसमें ना, स्पोर्ट्स के आपके कॉम्प्लेक्स का आजकल तो बहुत डिमांड है, खेलकूद के लिए जगह बड़ी बड़ी जाती है, ठीक है, स्टेडियम वगैरह। तो ये सब चीजें देखिए, आपको कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज में भी हमें एक निश्चित भूमि चाहिए होती है, कि इससे कम में स्कूल और कॉलेज नहीं खुल सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि इनमें जमीन तो चाहिए, तो ये गैर कृषि प्रयोजन हो गए। एक बार जो लगी तो लगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे आ गई, कोई यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेज स्कूल हो गया, बड़े फ्लैट बन गए, कम जगह में ऊपर तक चले गए, तो लेकिन जो भी है जमीन तो गई, है ना। उद्योग धंधे हमको लगाने, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज, एक चीज और बताऊँ आपको, पावर प्लांट में भी जमीन जाएगी ना, जो एनर्जी बनाने के लिए हम बिजली बनाने के लिए लगा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट, उसमें भी जमीन चाहिए, ठीक है। तो ये सब जगह जमीन की आवश्यकता है, समझना हमें ये है। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि और कौन सी है भाई, जहां आपने छोड़ दिया स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के। हाँ, सरकार भी क्या करती है कि कुछ हिस्से को शहर के या गांव के मार्क लगा देते हैं वहां पे, कि भाई ये गौशाला को दी गई है, गायें चरेंगी, पेस्चर लैंड कहते हैं इंग्लिश में, स्थायी चरागाह हैं, तो यहाँ पे ये मकान वगैरह नहीं बनेंगे, ना खेती बाड़ी होगी, सिर्फ जानवरों के चरने के लिए छोड़ी गई है, प्रति भूमि हो गई। बी में देखिए, विविध वृक्ष अगर लगे हुए हैं, वृक्ष या फसलों के लिए उप वनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, कई बार ऐसा भी छोड़ा जाता है, कई बार जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं भी होती हैं। कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं, हर्बल भी होते हैं,
तो वो कुछ ऐसे विशेष क्षेत्रों में ही मिलेंगे अपने को जलवायु के हिसाब से। तो उस एरिया को छोड़ दिया, कुछ वृक्ष की फसलें भी मिलती हैं उसको छोड़ दीजिए, कुछ उपवन है ना, छोटे जंगल हैं उनके अंदर जो भूमि चलेगी वो गई। ये कुल बोए गए क्षेत्र में नहीं गिना जाता, कुछ इस तरह से भी होता है। ये कृषि योग्य बंजर भूमि है या 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, इसकी क्या है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। अब क्या है कि हो तो सकती है इस पर कृषि, अब या तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती है या कोई समस्या है प्राकृतिक है या जैविक है या केमिकल प्रॉब्लम है या मिट्टी उस तरह की नहीं है, तो कई कारण हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने बंजर भूमि करके छोड़ दिया। या तो मिट्टी खेती बाड़ी के उपयुक्त तो नहीं है, या जल भराव की क्षमता है, जल भराव की समस्या है ना, वाटर लॉगिंग, या जल का ना होना, बहुत कम जल है नहीं, अगर पानी ही नहीं है तो कैसे करोगे, तो यही छोड़नी पड़ती है। चौथा, परती भूमि की बात करते हैं, वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, साल भर से कम जहां खेती हुई ही ना हो, उस क्षेत्र को भी आप परती में गिनेंगे, वर्तमान। अब भी बी में देखिए क्या कहते हैं, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, लगभग यहाँ पे ऐसा हाल हो गया कि 1 साल से लेके 5 वर्ष तक खेती का कोई कार्य नहीं हुआ हो और ये जमीन यूं ही खाली पड़ी है, खेती नहीं हुई है कितने साल से, 1 से 5 साल से, वर्तमान परती भूमि बोला जाएगा, ये भी वर्तमान परती में आएगा। ये वाला जो है आपकी बंजर भूमि है, या तो मिट्टी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, या जल की समस्या है। तो इस तरह से ये हम स्लाइड में ये सारी बातें हमने देखी। आगे देखिए, फिफ्थ है शुद्ध निवल टोटल या नेट आप कह लो इंग्लिश में, बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी निवल बोए गए क्षेत्र को एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध क्रॉस में जोड़ दें, तो अगर ये सारी हम गणित कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी इस टोटल पूरे में एग्रीकल्चर हो रहा है। छोटे से उदाहरण से हम समझ जाते हैं कि हमने इधर ये ले लिया एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, तो ये पूरे 360 डिग्री पे हमारे कहलाएगा कि ये सकल ग्रॉस मतलब टोटल एग्रीकल्चरल एरिया हमारे पास ये है। तो हमने ये सब बातें सीखी हैं, इसको मैं आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्वेश्चन और आंसर लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी जाए, लगभग जुलाई का महीना लगने ही वाला है। हमारे पास सोशल साइंस में कम से कम हमारे पास 16 से 17 चैप्टर हैं सब मिला के 10th में, सबको देखते हुए लिखने की प्रैक्टिस, कितने शब्द हैं, शब्दों का वर्ड्स की लिमिट का हमें ध्यान रखना है, कितना क्वेश्चन पर हम कितना समय लगा सकते हैं, मैप वर्क भी है। मैंने कहा कि एक अच्छा सा एटलस और आप खरीदिए मेरे कहने से, ये आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ले सकते हैं तो ऑक्सफोर्ड का कहीं से मिलता है आपके आसपास। एक अच्छा सा एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड उनमें से एक है, मैं यूं कह सकता हूँ ऑक्सफोर्ड का एटलस अब तक का बेस्ट माना जाता है, आगे भी आपके कॉम्पिटिशन्स में ही काम आएगा, इसको रखिए देखिए बार बार, तो आपको कई चीज़ें ज्योग्राफी की इजीली समझ में आने लगी। थैंक यू एंड गुड लक विद दिस।